डायबिटीज़ बहुत ही खतरनाक बीमारी है जो आज घर घर में फैल चुकी है। 8 घंटे बिना कुछ खाए शुगर का लेवल 100 से ज़्यादा आता है तो इसे भी डायबिटीज़ माना जाता है। और कुछ भी खाने के 2 घंटे बाद अगर खून में शुगर 140 से ज़्यादा आता है तो भी डायबिटीज़ होती है। ये डायबिटीज़ दोस्तों 2 प्रकार की होती हैं, डायबिटीज़ 1 डायबिटीज़ होती है और 1 डायबिटीज़ 2 होती है। शुगर की बीमारी मीठा खाने से नहीं होती, बहुत लोगों को लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब हमारे शरीर में पचाने की क्रिया में गड़बड़ी हो जाती है ना, तो खून में शुगर ज़्यादा क्वांटिटी में रहने लगती है। इसे टाइप 2 डायबिटीज़ कहते हैं दोस्तों। इसके अलावा हमारे पेट के नीचे पैनक्रियास यानी अग्नाशय होता है, जो हमारी बॉडी में इंसुलिन हार्मोन्स पैदा करने का मेन सोर्स होता है। ये इंसुलिन हार्मोन्स हमारी मसल्स, फैट सेल्स, हमारे लीवर के सेल्स को खून में मौजूद शुगर को एब्जॉर्ब करने का, अपने अंदर स्टोर करने का संकेत देता है, ताकि ज़रूरत पड़ने पर एनर्जी पैदा करने के लिए शुगर का इस्तेमाल किया जा सके। इस तरह से इंसुलिन हार्मोन्स बॉडी में शुगर स्टोर होने के प्रोसेस को कंट्रोल कर सके। अगर पैनक्रियास ठीक तरह से काम नहीं करता दोस्तों, तो शरीर में इंसुलिन बनना कम हो जाता है और खून से शुगर निकल के लीवर वगैरह में स्टोर नहीं हो पाता है। ऐसे में शुगर स्टोर होने के लिए, इस क्रिया को नियमित जो है बनाए रखने के लिए, रोज़ाना ऊपर से इंसुलिन के इंजेक्शन लेने पड़ते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इसको कहते हैं टाइप 1 डायबिटीज़। अगर ये जो है इसका ध्यान नहीं दिया गया तो इसके साथ कई बीमारी आती, जैसे कि लीवर ख़राब हो जाना, किडनी ख़राब हो जाना, ब्रेन स्ट्रोक हो जाना। तो इसलिए योगा एक्सरसाइज ये करते रहे, तो इसलिए डायबिटीज़ कंट्रोल रखने की कोशिश करते रहिए। आज का जो मेरा उपाय होगा बहुत ही खास है आप सबके लिए, इससे आपकी डायबिटीज़ जरूर कम होगी। आज चलते हैं वीडियो की तरफ और बताती हूँ कि आज का दोस्तों शुगर के लिए, डायबिटीज़ के लिए ये इतना रामबाण इलाज है, इतनी अच्छी औषधि है कि मैं आपसे क्या ही बताऊँ। इसका नाम है पनीर का फूल। पनीर का फूल दोस्तों ये शुगर को कंट्रोल करता ही करता है, इसमें 100% नहीं 1000% गारंटी मैं आपको दे रही हूँ, ठीक है। मेरी फैमिली में भी कई लोग डायबिटीज़ के पेशेंट हैं और ये इतना कमाल का काम करता है कि मैंने सोचा कि ये वीडियो आपके तक लाना ही चाहिए दोस्तों। पनीर के फूल में जानते हैं कील मुहासे, झाई, वेट लॉस के लिए, मोटापा के लिए, शुगर के लिए तो ये है ही है, ठीक है। मतलब कौन सी बीमारी के लिए ये नहीं है। इसका स्वाद कड़वा होता है, इसलिए ये शुगर को कंट्रोल करता है। और आपको अस्थमा के लिए, अनिंद्रा, घबराहट हो रही है तो भी ये पनीर का फूल आपको बहुत ज़्यादा काम करता है। पनीर के फूल से आपके इंसुलिन को मतलब संतुलित ये रखता है आपके इंसुलिन को। दोस्तों आपके शरीर में जो अग्नाशय होता है ना, जिसे पैनक्रियास कहा जाता है, ये अग्नाशय को, बीटा सेल्स को हील करने का काम करता है पनीर का फूल। जो सही मात्रा में अगर रोज़ाना लिया जाए तो आपके इंसुलिन की मात्रा को भी संतुलित करने में काफ़ी मदद करता है। और ये दूसरी चीज़ है, ये दोस्तों मैं इसकी कितनी तारीफ करूँ, ये किस चीज़ के लिए नहीं है, बहुत ही ज़्यादा ये काम आती है डायबिटीज़ में, वेट लॉस में। और जो है इसका नाम है चिरायता। ये आपके लीवर को भी बहुत ज़्यादा मजबूत करता है, सबसे अच्छा होता है खून साफ करने के लिए, और खून साफ करता है। अगर खून साफ है तो सोच लीजिए कि आप कई बीमारियों से आप बच रहे हैं। खून का साफ होना इतना ज़रूरी होता है, ये पेट को साफ करता है। और जो है ये शुगर का काल कहा जा सकता है कि इतना ज़्यादा डायबिटीज़ में इसका काढ़ा हो, मतलब हर चीज़ इसका, चाहे पाउडर बना के खाइए। ये गैस के लिए, लीवर को डिटॉक्स करता है। ये चिरायता, इसका नाम है चिरायता। ये है दोस्तों सहजन का, मतलब सहजन है, सहजन का फूल नहीं, ये सहजन ही है। इसमें इतने गुण है ना कि दुनिया में इससे मतलब ताकतवर पेड़ कोई कहा नहीं गया है सहजन से, क्योंकि इसमें इतने सारे विटामिन पाए जाते हैं दोस्तों। इसे सुपर फूड भी बोला जाता है दोस्तों, क्योंकि इसमें विटामिन B6 पाया जाता है, आयरन पाया जाता है, कैल्शियम, विटामिन ए, विटामिन ई, पोटेशियम, मैग्नीशियम, प्रोटीन, किसी भी शेक में मिलाएं, लीवर की रक्षा करता है, सूजन, ब्लड शुगर, वेट लॉस, मतलब क्या ही बताएं कि कितनी ज़्यादा अच्छी। डॉक्टर से पूछेंगे तो आपको सिर्फ दवा बताएंगे, सहजन के बारे में इतनी जानकारी वो आपको नहीं देंगे जो मैं दे रही हूँ। ये है खीरा, सुपर फूड बोला जाता है, 90% पानी होता है, बहुत ही हेल्दी होता है डायबिटीज़ के लिए, क्योंकि इसमें 0 कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, इसलिए इसको ले रही, मतलब तारीफ़ कर रही हूँ। इसमें खीरा के 2-3 पीस ले लीजिए, 1 खीरा भी ले सकते हैं जिस हिसाब से आप बनाना चाह रहे हैं। ये है करेला। करेला दोस्तों आप जानते हैं कि कड़वा होता है करेला, इसलिए डायबिटीज़ में ये रामबाण है। जो राजीव दीक्षित जी हैं उन्होंने करेला
और जामुन की गुठली को डेली पीने के लिए बोला है। कह रहे थे कि गारंटी है कि आपकी डायबिटीज सिर्फ करेला और जामुन की गुठली से ही सही हो जाएगा। इसमें जो है इतना ज़्यादा पावर होता है, करेला में विटामिन ए पाया जाता है, विटामिन सी पाया जाता है, विटामिन इसमें पोटेशियम पाया जाता है, जिंक, आयरन, इसमें सब पाया जाता है, बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट गुण पाए जाते हैं। और ये है भाई सदाबहार का फूल, पूरे साल आपको रंग बिरंगे, कहीं सफ़ेद, कहीं गुलाबी, कहीं पिंक कलर के आपको मतलब नज़र आएंगे। इसका पेड़ मैंने मतलब इसका छोटा सा पौधा मैंने लगा रखा है, पेड़ नहीं पौधा, ठीक है, गमले में ज़रूर लगाइए जिनके यहाँ डायबिटीज़ है। अब ये है जामुन की गुठली। भाई जामुन की गुठली की तारीफ़ भैया किसने नहीं किया है, अगर डायबिटीज़ है और जामुन की गुठली का नाम ना आए ऐसा तो भैया होने वाला नहीं है। ये देखिए इस तरह से होता है, इसको मैंने मतलब इसको खरीदा है। अगर आप जामुन के तो जामुन खाया करिए ना, तो उसकी गुठली को आप धो धा के सुखा के रख लिया करिए, ठीक है। इसको जब मेरे यहाँ ख़त्म हो गई थी जामुन गुठली, तो मैंने इसको खरीदा है, खरीद के भी अमेजोन से भी बहुत सारा मिल जाता है आपको। तो इसमें दो मैंने लिया है, ठीक है, खीरा ले लिया है, करेला ले लिया है, और जो है चरेता ले लिया है, और क्या लिया है, पनीर का फूल, ये सहजन, दो तीन सहजन लीजिएगा, ज़्यादा मत लीजिएगा, फ़ायदा तो बहुत ज़्यादा करता है, डायबिटीज़ के लिए रामबाण है, सुना तो होगा आपने। ये है पुदीना, पुदीना दोस्तों मिंट है ये, मतलब एक गमले में लगा लीजिए, इतना ज़्यादा ये मतलब फैल जाता है कि ये पूरे सीजन में ख़त्म ही नहीं होता है, इतना ज़्यादा फ़ायदा करता है, इसमें इतने सारे एंटी ऑक्सीडेंट पाए जाते हैं कि मैं आपसे क्या ही बताऊँ। इसका टेस्ट तो बढ़ाता ही बढ़ाता है, लेकिन मिंट फ़ायदा भी बहुत ज़्यादा करता है, शुगर में, वेट लॉस में, गैस में, अपच में, मतलब हर चीज़ में आपको पुदीना फ़ायदा करता है। अब ये सारी चीज़ें मैंने मिक्सी के जार में डाल दिया है, ठीक है, मिक्सी के जार में डाल दिया। अगर आप चाहते हैं तो इसका मतलब जैसे चरायता है और ये चिरायता है, ये सब चीज़ों का आप पाउडर भी बना सकते हैं, लेकिन आज मैं जो बनाने जा रही हूँ वो मेरे घर में रामबाण की तरह काम किया है, इसलिए पानी डाल दीजिए। डालने के बाद भाई मिक्सी को चला करके इसका एक जूस बनाना है, ठीक, अभी आप देखिएगा इसके बाद क्या डालते हैं, पूरी वीडियो देखिएगा, आपके लिए है। अदरक जरूर डालिए, अगर इतनी जितनी अदरक मैंने लिया है, डेली कोई इतनी अदरक खाता है तो कभी भी हार्ट अटैक उसको नहीं हो सकता, ये आप मान लीजिए। नसों की ब्लॉकेज खोलता है, शुगर में फायदा करता है, हर चीज़ के लिए, हार्ट के लिए, हर चीज़ के लिए। लो बीपी वाले, जिसको लो बीपी है, वो मतलब अदरक का यूज और लहसुन का यूज बहुत कम करेंगे, ठीक है। अब इसको देखिए मैंने पीस लिया है, पीस करके भाई छन्नी या कपड़े से, जिस तरह से आप हो सके उस तरह से इसको छानिए। अगर इंसुलिन का इंजेक्शन ले रहे हैं, अगर ये आप एक हफ्ते लेते हैं इंसुलिन का इंजेक्शन ना छुड़वा दिया, तो आप जो कहेंगे मैं भैया वो तो मैं वीडियो बनाने ही बंद कर दूंगी, आप विश्वास करिए। लेकिन एक हफ्ते आपको डेली लेना है जो इंसुलिन का इंजेक्शन ले रहा है। जिसको कम है, जैसे 170 है, 180 है, तो उसको सिर्फ एक टाइम लेना है, अपनी शुगर को नाप लीजिएगा, डेली नापिएगा अपनी शुगर को, और तब इसको लीजिएगा, क्योंकि ये एकदम से कम करती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब मैं आधा चम्मच ले रही हूँ आंवला पाउडर। आंवला पाउडर जानते हैं पृथ्वी के लिए ये अमृत कहा गया है, ये डायबिटीज़ के लिए, कौन सी ऐसी बीमारी नहीं है जिसके लिए आंवला पाउडर अच्छा नहीं होता है, वेट लॉस के लिए, आपके गैस, अपच, बदहजमी, जो चीज़ है खाना को हजम करने के लिए, बालों के लिए, आंखों के लिए, स्किन के लिए। भाई इसकी तारीफ तो मैं कर ही नहीं सकती, ठीक है, लेकिन कर रही हूँ, फिर भी कर रही हूँ कि जिसको जानकारी नहीं है वो आंवला ठंडियों में खूब सारा ले आइए, क्रश कर लीजिए, सुखा लीजिए, घर पे पाउडर बनाइए, मैंने घर पे ये पाउडर बनाया है, ठीक है। अब इसको गर्म वर्म करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे नॉर्मल पानी आपने डाला था बस वैसे ही लीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर